हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में 44 करोड़ का बजट पारित। नगर पालिका की साधारण सभा की प्रथम बैठक रविवार को नगर पालिका सभागार में सांसद पीपी चौधरी, विधायक शोभा चौहान की उपस्थिति में नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष मंजू निकुम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 44 करोड़ 8 लाख 1 हजार का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया। इससे पूर्व सांसद पीपी चौधरी, विधायक शोभा चौहान का पालिका की ओर से बहुमान किया गया। तत्पश्चात नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष मंजू निकुम का अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह विशोई ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं उपाध्यक्ष रामलाल सांकला का लेखा अधिकारी जगदीश चंद सोलंकी द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का भी पालिका की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद चौधरी ने कहा कि सोजत के सर्वांगीण विकास के लिए सभी 40 सभासद मिलजुल कर काम करें, ताकि उनका भी प्रयास रहेगा कि सोजत रोड के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध करवा सके। उन्होंने कहा कि शहर की नई सरकार के गठन के बाद अब शहर के सभी वार्डो में बिना भेदभाव के विकास होगा। वहीं विधायक शोभा चौहान ने कहा कि विधायक कोष से भी शहर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह विशोई ने कहा कि सोजत शहर में नई सरकार के गठन के बाद अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं लेखा अधिकारी जगदीश चंद सोलंकी ने अनुमानित बजट वर्ष 2021-22 एवं आय व्यय का प्रतिवेदन पार्षदों को पढ़कर सुनाते हुए बताया कि गत वर्ष 2022-21 के 37 करोड़ 36 लाख 31 हजार का बजट में से कुल व्यय राशि 24 करोड़ 28 लाख 87 हजार के बाद बची शेष राशि 13 करोड़ 7 लाख 44 हजार के बाद वर्ष 2020-21 व 22 के लिए 44 करोड़ 8 लाख 1 हजार का बजट पारित किया गया। वहीं सोलंकी ने बताया कि शहर में पहले 30 वार्ड थे, जो अब बढ़कर 40 हो गए हैं, जिसके कारण अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु बोर्ड के समक्ष रखा। इस दौरान सोलंकी ने बताया कि शहर में 118 सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं, उनको बढ़ाकर 200 करने हैं। वहीं जमादार के 2 पद स्वीकृत हैं, उनको बढ़ाकर 8 करने हैं। इसी प्रकार चौकीदार के 2 पद स्वीकृत हैं, उनको बढ़ाकर 3 करने हैं। वहीं बागवान का 1 पद स्वीकृत है, उनको भी बढ़ाकर 2 करना है। इसी प्रकार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का कोई पद नहीं है, इसके लिए एक नवीन पद की आवश्यकता है। वहीं सहायक लेखा अधिकारी प्रथम का कोई पद नहीं है, इसमें भी एक नवीन पद की आवश्यकता है। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए भी कोई पद नहीं है, उसमें भी एक पद की आवश्यकता है। इसी प्रकार सहायक राजस्व निरीक्षक का 1 पद है, उसको बढ़ाकर 2 करने हैं। वहीं कार्यकाल सहायक का 1 पद है, उनको भी बढ़ाकर 2 करने हैं। वहीं स्वास्थ्य निरीक्षक पद का कोई पद नहीं है, इसमें एक नवीन पद की आवश्यकता है। इसी प्रकार वरिष्ठ लिपिक के 3 पद स्वीकृत है, इनको बढ़ाकर 5 करने हैं। वहीं कनिष्ठ लिपिक के 6 पद स्वीकृत है, इनको बढ़ाकर 10 करने हैं। इसी प्रकार सूचना सहायक का कोई पद नहीं है, इसमें एक नवीन पद की आवश्यकता है। वहीं टिंडल का 1 पद स्वीकृत है, इनको बढ़ाकर 2 करने हैं। वहीं फायरमैन के 8 पद स्वीकृत है, इनको बढ़ाकर 12 करने हैं। वहीं फायर वाहन चालक के 2 पद स्वीकृत है, इनको बढ़ाकर 4 करने हैं। वहीं पैरोकार का कोई पद नहीं है, इनमें एक नवीन पद की आवश्यकता है। अंत में पालिका अध्यक्ष मंजू निकुम ने सभी सभासदों का आभार ज्ञापित किया। संचालन चंद्रशेखर श्रीमाली ने किया। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की।